को बनाने की आखिरी कोशिश, प्रधानमंत्री कर सकते हैं बात, ममता बनर्जी का अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन, टीएमसी के मंत्री मनमोहन मंत्रिमंडल से दे सकते हैं इस्तीफा। ममता को मनाने में जुटी सरकार, केंद्रीय मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा सहयोगियों से करेंगे बात, मजबूरी में लिए गए फैसले, राशि दल भी बोले आपसी मुद्दाएं हम खुद सुलझा लेंगे। बीजेपी का आर पार की जंग का ऐलान, पार्टी ने कहा भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, 20 तारीख को होगा भारत बंद सफल, बोले सड़क पर दिखेगी असली भारत की ताकत। प्रकाश करात ने साधा पीएम पर निशाना, बोले मनमोहन देश की नहीं सुनते, अमरीकी दबाव की करते हैं चिंता, लेफ्ट पार्टियों ने भी किया एफबीआई का विरोध, डीजल पर 20 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे पर भी कोयला घोटाले की आंच, 2007 में भूषण एनर्जी को खदान आवंटन दिलाने के लिए पीएम से पैरवी का आरोप। शेयर बाजार पर रिटेल एफबीआई का दिखा सर, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 से ज्यादा अंक पर उछला, करीब 200 अंकों की तेजी। रुपया 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, एक डॉलर का भाव शुरुआती कारोबार में 53.74 रुपये। पश्चिम बंगाल में आज नहीं चल रही बसें और मैक्सी कैब, डीजल के दाम बढ़ाने के खिलाफ बस मालिकों का फैसला, सड़क से नदारद रहेंगी 6000 बसें। सितंबर से बसों के ड्राइवर भी चक्का बंद का कर सकते हैं ऐलान, डीजल के दाम बढ़ने से नाराज, बेमियादी हो सकती है हड़ताल। भाड़ा बढ़ाने के बाद हड़ताल पर जा सकते हैं देश के ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्ट यूनियनों की चल रही है बातचीत, सरकार से बेल आउट पैकेज की मांग, ट्रांसपोर्टरों की दलील, महंगाई बढ़ने से बढ़ा खर्च। किरकिरी झेल रही सरकार ने थपथपाई अपनी पीठ, पीएमओ ने ट्वीट पर कहा एक दशक में दिए 7 लाख बिजली कनेक्शन, 34 लाख से ज्यादा घरों की क्षति पक्की, यूपीए सरकार ने आई संगत की। आरबीआई आज कर सकता है बड़े ऐलान, ब्याज दरों में कटौती की संभावना, डीजल के दाम बढ़ने और रिटेल में एफबीआई के बाद सरकार को आरबीआई से उम्मीद, तेज विकास के लिए आरबीआई ले सकता है अहम फैसला। इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप की आज अहम बैठक, आईएमजी रद्द कर सकता है 6 कोल ब्लॉक्स का आवंटन, उत्पादन के काम में देरी करने पर दिया गया है कारण बताओ नोटिस। कोल ब्लॉक स्कैम पर शरद यादव की सरकार पर तीखी टिप्पणी, कहा अंधा बांटे रेवड़ी, खनिज की हुई बंदर बांट, लेकिन देश को नहीं मिला एक भी हिला। मुंबई में गृहमंत्री सुशील शिंदे ने विवादित बयान पर दी सफाई, कहा किया था मजाक, पुणे में सुशील शिंदे ने कहा था जनता की याददाश्त होती है कमजोर, मुफूज की तरह भूल जाएंगे कोयले घोटाले को भी। शिंदे के बचाव में उतरे दिग्विजय सिंह, बोले शिंदे की बातों को लोगों ने गलत समझा, वो फोर्स की तरह कोयला घोटाले में भी विपक्ष लगा रहा है झूठे आरोप। सुशील कुमार शिंदे की टिप्पणी पर शिवसेना मनोहर जोशी का बयान, कहा कम बोले नहीं तो हो जाएगा नुकसान, उद्धव ठाकरे ने कहा शिंदे का बहुत शुक्रिया, रख दी कांग्रेस की सच्चाई, दिला दी वो फोर्स की आग। अन्ना हजारे ने दिए केजरीवाल से दूरी बनाने के संकेत, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से जुड़े लोगों को दिया रालगंज सिद्धि का पता, अन्ना ने अपने ब्लॉग में लोगों से दिल्ली की बजाय रालगंज संपर्क करने को कहा। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पंजाब के एक और मंत्री गुलजार सिंह ने दिया इस्तीफा, करीब 1.25 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप, पंजाब पुलिस ने गुलजार सिंह के पीए के खिलाफ दर्ज किए पैसों में गड़बड़ी का केस। राजस्थान के कांग्रेस विधायक सोनाराम चौधरी का अशोक गहलोत पर करारा हमला, कहा पार्टी में सीएम के 80% चमचे, गहलोत पर पार्टी में फूट डालने का लगाया आरोप। बासठ के हुए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जन्मदिन पर मां से लिया आशीर्वाद, मां से मिलने के बाद विवेकानंद युवा सम्मेलन में हिस्सा लेने राजकोट जा रहे हैं मोदी। बीजेपी ने फेसबुक पर शुरू किया खास प्रचार, लोगों से मोदी के साथ खिंचाई तस्वीर फेसबुक पर डालने को कहा, पसंद आने पर मिलेगी
मोदी के ऑटोग्राफ वाली तस्वीर। कुडामकुलम परमाणु प्लांट का विरोध जारी, जल सत्याग्रह के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने रेत के अंदर घुसकर जताया विरोध। विरोध करने वालों में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल। परमाणु प्लांट का विरोध कर रहे लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ लहराए पर्चे, प्लांट बंद कराने की लगाई गुहार। तूतीकोरिन में रैली निकालने की कोशिश कर रहे करीब 250 लोग गिरफ्तार। यमुना एक्सप्रेसवे को टोल फ्री करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, 18 गांव के किसान सड़कों पर उतरे। प्रशासन को चेतावनी, एक्सप्रेसवे को कर देंगे जाम। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, दो कारों की आमने सामने टक्कर में 5 लोग घायल, 5वें शख्स की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के गाजीपुर फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा, खड़े टैंकर से टकराई बाइक, हादसे में युवक की हुई मौके पर मौत। चश्मदीदों के मुताबिक बाइक चलाते वक्त युवक कर रहा था मोबाइल पर बात। दिल्ली के पुलिस के हफ्ते चढ़े शातिर बदमाश, राजस्थान के 2 बॉक्सर्स और 1 पहलवान समेत 4 किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर रेल जंक्शन पर मची हलचल, महिला यात्री की मौत, 50 गंभीर रूप से घायल। भीड़ में झपटमारी के दौरान मछली अफरा तफरी, तभी हुआ हादसा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मची अचानक भगदड़, आधा दर्जन श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर, 3 की हालत नाजुक, क्षमता से ज्यादा लोगों के मंदिर में आने पर फैली अफरा। मुंबई के घाट को पर बेकाबू ट्रक ने 7 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 5 घायल। टेम्पो और बिजली के खंभे से टकराने के बाद ट्रक सलून में घुसा, चीख पुकार के बीच फरार हुआ ड्राइवर। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल, बाइक सवार पति पत्नी हादसे में बाल बाल बचे, एक्सप्रेस वे का इमरजेंसी कॉल बॉक्स हुआ खराब। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में महिला की लाश मिलने से सनसनी, परिवार वालों का आरोप, बेटी को गला घोट कर मारा गया, दामाद पर पैसे मांगने का लगाया आरोप। गाजियाबाद के इंद्रापुरम के मॉल में मिली युवक की लाश, रेस्टोरेंट में सफाई कर्मचारी था युवक, धारदार दांत से गला काटकर हुई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में 2 नए जिले शामिल होने के खिलाफ 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वकील आज करेंगे हड़ताल, वकीलों का बयान, कहा जिलों की तादाद बढ़ने से किसी का नहीं होगा फायदा, दिल्ली में अब 9 के बजाय 11 जिले हो गए। सिक्किम में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में भूस्खलन से सड़क मार्ग हुए बंद, कई जगह घरों को भी पहुंचा नुकसान, हालांकि जान माल के नुकसान की खबर नहीं, प्रशासन राहत में जुटा। जयपुर में 5 सेकंड के भीतर जमींदोज हुई 9 मंजिला इमारत, अवैध तरीके से खड़ी की गई बिल्डिंग, इमारत को गिराने के लिए इंदौर से बुलाई गई टीम, 450 सुराखों के जरिए भरा गया था विस्फोट। राजधानी के ताजमान सिंह होटल में कॉर्पोरेट ब्रिज टूर्नामेंट का आयोजन, जाने माने उद्योगपतियों ने मुकाबले में लिया हिस्सा, विजेताओं को क्रिकेट खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी ने दिया इनाम, दिल्ली में शुरू हुआ दूसरा मैजिक फेस्टिवल। मैजिक फेस्टिवल में दुनिया के नामी गिरावी जादूगरों ने दिखाई हाथ की कला, 14 से 16 सितंबर तक चलेगा जादू का मेला, कई हैरतअंगेज कारनामों को देखकर लोगों ने दबाई दांतों तले उंगलियां। फॉर्मूला 1 चैंपियन लुईस हैमिल्टन ने मुंबई के मरीन ड्राइव पर दौड़ाई कार, हैमिल्टन को देखने के लिए उमड़ी भीड़। अमरीकी फिल्म के खिलाफ कराची में यूएस काउंसिलेट के बाहर हिंसक प्रदर्शन, पुलिस से भ्रंट में एक प्रदर्शनकारी की मौत, प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों पेट्रोल पंप में लगाई आग। चीन और हांगकांग में जापान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने शॉपिंग सेंटर को बनाया निशाना, सेंकाकू और वियाउ द्वीप पर जापान के दावे से भड़का है विरोध। जापान के ओकिनावा इलाके में शानदार तूफान का कहर, गुल हुई 7,000 घरों की बिजली, कई उड़ानें रद्द, तूफान से बचने के लिए एयरपोर्ट पर फर्श पर लेटे लोग। टॉपलेस तस्वीरों पर बवाल से बेफिक्र, ब्रिटेन के शाही जोड़े ने सोलोमन आइलैंड्स में किया
छुट्टियों का मजा, खुली जीप में घूमे प्रिंस विलियम्स और राजकुमारी के। रोमानिया में तेजी से जोर पकड़ रहा शादी के दिन दुल्हन को अगवा करने की परंपरा, बुखारेस्ट में सामूहिक शादी में दोहराई गई परंपरा।